Assalamualaikum everyone, welcome back to my new vlog. तो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये सऊदी बने हुए फ्रिज में आज, तो अभी हम आए हैं हरम में चुके। आज अब्बू की छुट्टी थी तो उनके साथ भी आ गए हैं आज, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और कुछ ही दिन रह गए हमारे जाने में पाकिस्तान वापसी, तो जमजम पियेंगे। क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ये है, आज हम पियेंगे फिर हम मॉल जाएंगे, ठीक है। और आपको दिखाएंगे, चूँकि थोड़े से दिन रहेगा हमारे जाने में, तो शॉपिंग बहुत करनी है आपको पता है। तो मैं बताऊंगी नहीं कि अब हम लोग जा रहे हैं, जब ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग ने वो ब्लॉग मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर जल्दी से देख लें। जब तक हम जमजम पीते हैं, मुझे भी दे दो। कबूतरों को बाजरा डालने जा रहे हैं, डालो जल्दी। ये तो पिछले एक टंगा ही डाल दिया, डालने ही नहीं आता बावले को। तरफ फैला के डालो, कम से कम ज्यादा अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। तीन नंबर हमाम के पास ये शॉप, तो इधर बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको। तीन नंबर मार्केट में, तीन नंबर हमाम के सामने ही तीन नंबर मार्केट है छोटी सी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आए। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जूलियाँ भी हैं, केचर्स वगैरह भी हैं, और वो जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, कड़े भी हैं। आप लोग ने ज़रूर आना है, और जब भी आएँ तो यहाँ से सस्ते मिल जाती है आपको, तीन रियाल में मिल जाएंगी झूले वगैरह ना। तो आप आओ तो आ सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगी ये कहाँ है। और फनापी भी देखती है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आप लोग में देखते हैं, अगर आप आओ तो बता दूँ ये सब कहाँ है। ये देखिए ये सामने जेंट्स जो नंबर हमाम है यानी वॉशरूम है, तो इसके सामने ही ये दुकान है, क्योंकि हम यहाँ पे आए तीन नंबर दुकान है, ये ऊपर लिखा हुआ है तीन नंबर दुकान है। तो आप लोग ने इधर ज़रूर आना है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कलर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। तो आप लोग को अगर कोई बच्चों का चीज़ या तो खेलने की, यहाँ पे बॉल्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हो, पढ़ने की भी चीज़ है। सामान ले लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज अदा करेंगे इधर ही इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। और आप लोगों को भी दिखाएंगे आगे आगे क्या होता है, रात होने वाली होगी क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, मगरिब के बाद अजान होगी, तो अभी हम चलते हैं हराम के। हरम में रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली है, सब आ रहे हैं मगरिब की नमाज अदा करने, कुछ हरम में गए हैं।